तेरी हरकत से ही परेशान रहती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पर अंशु को जा रही हूँ खाना देने के लिए, क्योंकि अभी 5 बज गए हैं और ये स्कूल ट्यूशन दोनों से अब आया है। इसके बाद इसके पापा खाना खाने आए थे, तो अंशु को भी निकाल देती। देखो बेटा चावल देख लो, आज भी चावल बच ही जाएगा यार। चलो रात में हम दोनों खा लेंगे, है ना? तो हाँ होगा, क्या सब्जी है बैगन की, तो उसके लिए मेरे को टेंशन नहीं है। बैगन की सब्जी मुझे अच्छी लगती है, तो मैं चावल इसके साथ खा लूँगी रात में। देखो दाल, मुझे बस बैगन की सब्जी ज़्यादा अच्छी लगी है। हाँ सही थी आज की सलाद में। और क्या क्या दूँ? गाजर, टमाटर, प्याज। वैसे सारे ना मेरे घर में सलाद में ना प्याज के भूखे, प्लेट में इसके इसके पापा प्याज भी खा कर गए हैं, और इसको भी मतलब जो फायदे वाली चीज़ होती है ना ये लोग नहीं खाते। गाजर तो बिल्कुल भी नहीं खाते ये लोग, तो इसलिए बस गाजर मेरे यहाँ बस हलवे में बन खाते हैं बस। इन लोगों को हलवा ही चाहिए गाजर का, बस कुछ नहीं है। बेटे ने ये नहीं पता। नहीं बेटा, मैं चोखा सिर्फ पापा के लिए बनाई थी, वो तो वो छोड़ के दिए हैं। चोखा वोखा मत खाया करो, कोई फायदा नहीं है चोखा खाने में। नमक दे दो दाल में। गरम की है दाल? नहीं भाई, देखो दे। तो बात कोई गलत में चोखा रोटी लगा है। रसने वाली क्या बात है? चोखा घर में बच्चे के जो बन जाएगा वो लेकर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गांव साइड है, देहात साइड है, तो पता है गांव में क्या होता है, सबके यहाँ पर सुबह में चावल ही बनता है। बहुत से लोगों के घर में, मैं इधर सुबह में दाल चावल ही बनता है। और यह शहरों में होता है ना कि सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना। इधर अधिकतर लोग होते हैं काम करने वाले, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है, तो दाल चावल अगर चोखा बनाए घर में तो दाल रोटी तो लेकर जाएगा नहीं बच्चा, तो चोखा रोटी लेकर चला जाता है। इसमें क्या मसने वाली बात नहीं है बेटा। किसी पे हंसना नहीं चाहिए, किसी पे हंसना नहीं चाहिए, समझे? सबकी अपनी कुछ कुछ मजबूरी होती है, समझ गए ना? सबको मन करता है अच्छा खाने का। अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए एक कप बढ़िया वाली चाय, क्योंकि मुझे अब पीनी है चाय, बहुत देर से मैंने वेट कर लिया, तो अब नहीं रुका जा रहा। एक होता है ना एक टाइम लिमिट होती है कि हाँ इतने टाइम तक नहीं पिया, लेकिन अब पीनी है मुझे चाय। और सब्जी को मैं बाहर निकाल कर रख देती हूँ बर्तन में, क्योंकि सब हॉट पॉट होता है ना, सिर दर्द भी खत्म। चावल भी मैं सोच रही किसी बर्तन में ही निकाल लूं। दाल को इसमें मैंने गरम कर ली है, चावल इस वक्त कटोरी में आ जाएगी। तो आज शाम में बस सिंपल सा खाना बनाऊंगी। वो सिंपल सा खाना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, बंद गोभी की भुजिया, क्योंकि हमारा सब्जी है तो भुजिया और रोटी, क्योंकि ये लोग रात को हाँ इस टाइम खा लेते हैं, तो वैसे भी रात को इतना खाने का कुछ मन करता नहीं है, तो एक या दो रोटी खाएंगे। तो उसके लिए इतनी मेहनत करूँगी मैं, कोई भी सब्जी बनाऊँगी तो खाएंगे तो खाएंगे इतने ढंग से। अच्छा मैं सिंपल सा बना देती हूँ। मेरे बाल जल गया, जल गया बाल। मैं ना मुझे देर, मुझे मार्केट जाना था, तो ये अंशु इतना लेट आता है ना, फिर मैं मार्केट जा नहीं पाती।
देखती हूँ मैं। तो चलिए ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बर्तन धो लेते हैं, पंगी भी करनी है मुझे, बहुत काम है।